रतलाम जिले में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है। पुलिस ने दो तस्करों और एक हथियारबाज को पकड़ा है। इनसे अवैध मादक पदार्थ और हथियार जब्त किए गए हैं। रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन शिकंजा में जावरा अनुविभागीय अधिकारी अगम जैन के मार्गदर्शन में जावरा पुलिस को एक साथ तीन सफलता मिली है। फोर लेन हाईवे पर अरनिया गुजर फाटे के पास एक ढाबे से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की सूचना से दो तस्करों को पकड़ा। इन तस्करों से अवैध डोडा चुरा मिला। पकड़े गए आरोपियों में ढाबा मालिक और एक साथी जावरा के, दो आरोपी पंजाब के निवासी हैं। इनके पास से 600 ग्राम डोडा चुरा मिला जो पुलिस ने जब्त किया है। इसी तरह से पुलिस ने एक अन्य ढाबे पर अवैध रूप से तलवार लेकर लहराते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी का नाम प्रहलाद पाटीदार है। वह उमट पालिया के पास महू नीमच हाईवे पर अवैध रूप से डीजल का व्यापार करते ढाबा संचालक गिरफ्तार, जिनके कब्जे से करीब 80 लीटर डीजल, करीब 10,000 रुपये, डीजल भरने के ड्रम, कैन, डीजल नापने के बाट, डीजल निकालने की मोटर व पाइप जब्त किया गया। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस की लगातार जारी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। ये जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया है, उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और कल और आज में जो कार्रवाई की है उसमें चार बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें दो ढाबों पर हमें NDPS के तहत डोडा चूरा मिला, उसके आरोपी बनाए गए हैं। एक ढाबे पर एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अवैध तरीके से डीजल बेचता था, लगभग 80 लीटर डीजल और डीजल निकालने की मोटर एवं अन्य सामान हमने उससे बरामद किया है, जिसे भी हमने IPC और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आरोपी बनाया है। और एक व्यक्ति तलवार ले रहा था, वो एक ढाबे पर मिला तो उस पर भी आर्म्ड सेट की कार्रवाई की गई है। कहाँ के रहने वाले हैं जो राजस्थान का जिला है? हाँ, ये अलग अलग स्थान के रहने वाले हैं जो एक NDPS एक्ट में मिले हैं, वो राजस्थान नागौर के रहने वाले हैं, दूसरे में बोरदा के रहने वाले हैं और बाकी जो दो डीजल और आर्म्स वाले हैं वो भी यहीं के जावरा क्षेत्र थाने क्षेत्र के रहने वाले। एक जो घटना है डोडा चूरा वाली, उसमें ढाबे का मालिक जो है वो फरार है, वो ADS ढाबा नाम से है। पूर्व में कोई अपराध है? वो उसकी जांच की जा रही है, पूर्व में अपराध होंगे तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।